Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in this video we are going to solve questions of class 12 computer science. Computer science में Python का जो question आज आया था exam में उसका कुछ हम लोग MCQ answers को देखेंगे इस video में, और इसके बाद जो video upload होगा उसमें long question जो output वाला है वो हम लोग देखेंगे. चलिए video को start करते हैं without let. So the first question जो आपका exam में आया था वो है, while state true or false while defining a function in Python, the positional parameter in the function header must always be written after the default parameters. ये बात एकदम सही है, true है. इसका answer आपको true लिखना था, ठीक है? क्योंकि हम लोग जब भी positional parameter लिखते हैं वो हमेशा किसके बाद होगा? Default parameter के बाद लिखाता है. Must always be written after default parameters. Next question देखिए, the select statement when combined with dash clause returns records without repetition. है ना? आप बोल रहे हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट से आपको यूज करना है, और उसके साथ ऐसा कौन सा क्लाउज है जो रिपीट नहीं होने देता है? डिस्टिंक्ट ऐसा क्लाउज है जो रिपीट नहीं होने देता है, तो यहाँ डिस्टिंक्ट क्लाउज होगा, टू का ए आंसर होगा. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसको अगर आप रन अप करोगे तो इसका आंसर सी 0.0 आएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट पॉसिबल आउटपुट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन इज एक्सपेक्टेड टू बी डिस्प्लेड व्हेन द फॉलोइंग पाइथन कोड इज एग्जीक्यूटेड. इसको अगर आप पूरे अच्छे से रन करोगे टाइप करके, तो मैंने रन किया इसको टाइप करके, तो इसका आंसर ए येलो हैश रेड हैश आएगा, इसका आंसर 4 का ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एसक्यूएल द एग्रीगेट फंक्शन व्हिच विल डिस्प्ले द कार्डिनलिटी. कार्डिनलिटी का मतलब अगर आप MySQL में जाओगे इसका मतलब द नंबर ऑफ रोज इन ए टेबल. तो नंबर ऑफ रोज कैसे काउंट होगा? तो ऑब्वियस है काउंट स्टार से काउंट होगा. बी आंसर इसका करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल आउट ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव ईमेल. ईमेल के लिए जो प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज होता है वो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा. डी इज द करेक्ट आंसर, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनवैलिड पाइथन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, लेकिन इसमें आपका आंसर मे बी डी होना चाहिए. इसको थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग बाद में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड देन चूज द करेक्ट आउटपुट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. इसको अगर रन करोगे तो यू विल गेट द करेक्ट आंसर आपका ए है, MySSI हैश SIPPI आएगा. नाइन नंबर क्वेश्चन में मूव करते हैं अब हम लोग, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विच विल रेज एन एरर. इसमें देखिए आप, ये आपका कॉन्कैटिनेट कर देगा, ए को 3 बार प्रिंट कर देगा, ये 15 प्रिंट कर देगा. यहाँ देखिए दोनों स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग ऐड कर देगा, लेकिन स्ट्रिंग को नंबर में हम लोग पाइथन में ऐड नहीं कर सकते. ये काउजन है, आप बुक में देखे होंगे, स्ट्रिंग को आप नंबर से नहीं जोड़ सकते, तो यही आपका एरर देगा, सी नंबर नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट आउटपुट फ्रॉम द फॉलोइंग. तो इसका करेक्ट आउटपुट जो है वो बी आएगा, प्रेसिडेंसी एट द रेट 2023. आप इसको रन करके अगर देखोगे तो यू विल फाइंड द करेक्ट आंसर विल बी, यहाँ पे बी आएगा, प्रेसिडेंसी एट द रेट 2023. 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर नेटवर्क बैंडविड्थ. के लिए बिट्स पर सेकंड हम लोग यूज करते हैं. ऑब्जर्व द गिवन पाइथन कोड, इसको अगर आप रन करोगे ए इक्वल टू 20 डेफ कन्वर्ट, तो इसका आपका वैल्यू जो आएगा यहाँ से 10 आपका ऊपर जाएगा, तो ए का वैल्यू 10 हो जाएगा. ए का वैल्यू जब 10 हो जाएगा तो बी का वैल्यू कितना दे रहा है? 20 दे रहा है. ए इक्वल टू ए प्लस बी, तो ए का वैल्यू 20 और प्लस इधर हो जाएगा 10, 20. लेकिन आपका प्रिंट अब यहाँ से कन्वर्ट कॉल करेगा तो ए का वैल्यू तो ठीक है यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन ए का रियल वैल्यू देखिए ग्लोबल में 20 है, तो यहाँ 20 ही होगा इसका आउटपुट, ठीक है? ठीक है, ये फंक्शन कॉल के थ्रू मंगाओगे तो ए का वैल्यू आपका 20, बी 20 और ए नीचे से आपका ऊपर से 20 30 हो सकता है, लेकिन आप यहाँ देखो प्रिंट ए है, यहाँ ग्लोबल ए का वैल्यू 20 है, तो इस हिसाब से यहाँ 20 होगा, ठीक है? डिस्क्राइब में, डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो को फिर से बनाया जाएगा सॉल्व है, अभी आप लोग को आंसर के लिए बताया जा रहा है ये वीडियो. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, है ना? व्हाइल हैंडलिंग एक्सेप्शंस इन पाइथन, नेम ऑफ द एक्सेप्शन हैज टू बी कंपलसरी एडेड विद एक्सेप्ट क्लॉज. इसका आंसर को भी डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है? ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का है, इसका आंसर फॉल्स, ट्रू है फॉल्स होगा, एक बता दिया जाएगा थोड़ी देर में आपको नेक्स्ट वीडियो में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए DDL कमांड इन SQL. तो यहाँ पे देखिए क्रिएट अल्टर ड्रॉप, ये मैंने वीडियो बनाया था हेल्प के लिए आपको, तो उसमें बताया था मैंने इस तरह का क्वेश्चन, आप देख सकते हैं. तो यहाँ अपडेट इज द करेक्ट आंसर, अपडेट DML कमांड होता है, DDL में नहीं. फिल इन द ब्लैंक्स, डैश इज अ सेट ऑफ रूल दैट नीड्स टू बी फॉलोड बाय द कम्युनिकेटिंग पार्टीज इन ऑर्डर टू हैव अ सक्सेसफुल एंड रिलायबल डेटा कम्युनिकेशन ओवर ए नेटवर्क. तो यहाँ पे प्रोटोकॉल होगा, क्योंकि ये एक ऐसा रूल है जो फॉलो होता है कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज इन ऑर्डर टू हैव अ सक्सेसफुल एंड रिलायबल डेटा कम्युनिकेशन ओवर ए नेटवर्क. प्रोटोकॉल इसका आंसर होगा 15 का.
16 नंबर में आते हैं एफ इक्वल टू कंटेंट डॉट टी एक्स टी। तो देखिए यहाँ पे सीक फंक्शन क्या होता है, 0 और 1 टू 3 इसका मोड होता है ना, 0 में होता है बिगिनिंग ऑफ द और 1 में आपका करेंट फाइल लोकेशन पे और 2 पे एंड ऑफ द फाइल है। तो यहाँ पे आप देखिए करेक्ट यहाँ पे इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस इसको भी बता दिया जाएगा, ए होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर, लेकिन इसको मैं डिस्कस करूँगा थोड़ी देर में, फिर एक नया वीडियो आएगा तो ठीक है इसका ए होना चाहिए, लेकिन थोड़ी देर में अभी वीडियो अपलोड करेंगे और उसमें डिटेल में बताया जाएगा ए होना चाहिए बट, लेकिन देखा जाएगा अभी ए होगा कि नहीं। ठीक है नेक्स्ट है 17 और 18 असर्शन रीजनिंग। सीएसवी फाइल इज अ ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट फाइल विच ईच लाइन हैज अ नंबर ऑफ बिट्स सेपरेटेड बाय कॉमा और सम अदर डेलिमिटर। ये सही बात, सीएसवी फाइल कॉमा में रहता है तो ये ट्रू बात है। और राइट रो मेथड इज यूज टू राइट अ सिंगल रो, यस राइट रो से हम लोग सिंगल रो करते हैं, एक राइट रोज फंक्शन भी होता है उसमें मल्टीपल रोज करते हैं, तो ये दोनों का स्टेटमेंट करेक्ट है जिसका ए होगा होना चाहिए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन में हेलो डॉट स्टार्ट आप फंक्शन रन करोगे तो ये एरर देगा, ठीक है विल गिव एन एरर, यस ये एरर देगा ट्रू है। और सॉर्ट जो फंक्शन है वो लिस्ट के साथ यूज होता है, आपका स्ट्रिंग में वर्क नहीं करेगा, तो इसका आंसर जो है आपका ट्रू होना चाहिए। ठीक है इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका डिटेल में एग्जाम में अभी रन करके देखेंगे हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन भी। देन एक्सपैंड द फॉलोइंग टर्म एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये मैंने वीडियो में आपको बताया था, पीपी हो गया पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। सर्किट स्विचिंग पैकेट स्विचिंग का डिफरेंस, सर्किट स्विचिंग में क्या होता है एक डेडिकेटेड फिजिकल कनेक्शन होता है ना दो कंप्यूटर के बीच में नेटवर्क में, और पैकेट स्विचिंग में क्या है डेटा जो है स्मॉल पैकेट के फॉर्म में सेंड होता है पैकेट बाय पैकेट, पैकेट क्या है स्मॉल फॉर्म ऑफ डेटा। ठीक है इसमें पैकेट के फॉर्म में डेटा सेंड होता है और इसमें फिजिकल कनेक्शन होता है कंप्यूटर्स के बीच में नोड्स के बीच में। फिर वेब होस्टिंग है, नेम एनी टू वेब ब्राउजर आप लिखे ही होंगे लाइक यूसी ब्राउजर हो सकता है, मोजिला फायरफॉक्स हो सकता है, गूगल क्रोम होगा है ना। उसके बाद फिर ये आउटपुट वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा आप द कोड गिवन बिलो एक्सेप्ट फाइव नंबर्स एंड डिस्प्लेस वेदर दे आर इवन और ऑड, ऑब्जर्व द फॉलोइंग कोड केयरफुली एंड री राइट इट आफ्टर रिमूविंग ऑल सिंटैक्स एंड लॉजिकल एरर। तो इसका करेक्शन आप देखिए यहाँ पे एक तो नम इक्वल टू एंट इनपुट, यहाँ देखिए एक ब्रैकेट छूटा हुआ है एक और क्लोज होगा, यहाँ कॉलन के बाद प्रिंट इवन ये ठीक है ब्रैकेट आप दे सकते हैं, इल्स यहाँ पे ठीक है और इल्स के बाद ये प्रिंट के नीचे ये प्रिंट आना चाहिए तब ऑड होगा फिर इवन ऑड, ये इसका एरर है। ठीक है बाकी सारा क्वेश्चन लॉन्ग वाला थोड़ी देर में अपलोड होगा एक्सप्लेनेशन के साथ, नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। ठीक है इतना वीडियो में आप लोग अपना आंसर को चेक कर सकते हैं, ठीक है आगे अभी लॉन्ग वीडियो भी अपलोड होने वाला सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में MySQL का क्वेरी वगैरह सब बताया जाएगा और आउटपुट बेस्ड जितना भी क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, नीचे सब्सक्राइब का बटन है दबा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।